स्टूडेंट्स की लिस्ट है वी आर कोई। लाइव। ऑलराइट, यस वी आर, एंड आई मीन एज अ गेस्ट, एंड आई होप आई एम ऑडिबल, और एट द सेम टाइम आई कैन नॉट रीड कमेंट्स। लेट मी सी इफ आई कैन इनेबल कमेंट सेक्शन। नाउ आई कैन। परफेक्ट। परफेक्ट। सलाम अलैकुम एवरीवन। लेट मी नो इफ यू गाइस कैन हियर मी क्लियरली एंड कैन सी मी। अगेन आई एम इन लंदन हार्ले स्ट्रीट, और इस वक्त मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ। मतलब आई एम गुड, लेकिन हॉस्पिटल में हमारा हेल्थ केयर का काम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स हैं, मैं वहाँ बैठा हूँ, ऑफिस में हूँ, और लेक्चर मिस नहीं कर सकता था आज का लास्ट टाइम। तो मुझे लाग के टाइम जोन की वजह से मैं बिल्कुल एंड पे आया था, लेकिन नॉट दिस टाइम। प्लीज लेट मी नो इफ यू गाइज कैन हेयर मी क्लियरली। ये गुड डॉक्टर साहब, कैन यू रीड द जी जी यस, कमेंट्स? लाउड एंड क्लियर। परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट, एंड आई एम वेटिंग फॉर द मैसेज, द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट यू गोना शेयर विद मी, एंड आई विल जी बी वो इट्स सेइंग ऑलरेडी थैंक्स। डन। डॉक्टर जी, डिड यू रिसीव एनी मैसेज प्लीज ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम विकास, फ्रॉम माय साइड फ्रॉम डॉक्टर शिराज? सॉरी। ऑलराइट एवरीवन, सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू, क्योंकि लास्ट फ्यू वीक्स में हमारी टीम चौक हो गई थी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस नहीं हो पा रही थी, मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने अनाउंसमेंट या मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो आके हमारा वर्कलोड शेयर कर सकें। उसके बाद लोग आए, और ना सिर्फ आए, उन्होंने सिस्टमेटिकली इस तरह से वर्कलोड शेयर किया। पर्टिकुलरली मुझे आज मैसेज आया हारिस का कि एक्चुअली हमारा वर्कलोड रिलीज हो गया और हम लोग इस पोजिशन में आ गए कि हम फोकस कर सकें क्वालिटी पे। सो वट वील बी डूइंग, विल बी एडिंग मोर थिंग्स, विल मेकिंग लिटिल मोर एडवांस एट द सेम टाइम जब आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो ये नाम क्रॉस क्यों हुए हैं डॉक्टर साहब शीट पे। वो रिपीट हो रहे हैं नाम आपको। मैंने ऊपर जो तीन नाम्स मैंने कट किए हैं वो आपको सेपरेटली मैंने भेजे हैं। दे आर लीडिंग द टीम। So why would you cut this from the sheet? I can't even read that, and I don't have access to my WhatsApp. I'm on my phone. ओके So anyhow, Bushra Akram is, I guess, leading the team, right? So I just यस want to say thanks to everyone. Sadiqa Kashyap, Sayyeda Iman, Muhammad, Suhaib Nasir, Almas Aslam, Shaukat Ali, Shabaz Gul, as always. And then we have Tawseef as well, right? जी जशान अली, जवेरिया इब्राहिम, शाजिया शाहिद, अनुषा शिराज, मुनीबा, अमीना शौकत, रजाल मुस्तफ़ा, पाकिजा राशिद, जयान अहमद, अम्मार कमाल, अनायजा तारिक, फर्जा हैदर, मुजम्मिल हुसैन शाह, एंड तंजील शौकत। लेट मी नो इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग। आई विल सेव दिस नेम विद मी, दे आर पार्ट ऑफ दिस टीम, और अल्लाह आप लोगों को इस बात का अजर दे, जजा दे। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल एवरी वन कि अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम उतनी नहीं है जितनी पहले थी। दीज आर द पार्ट ऑफ द मिशन, और इट इट इज लाइक यू नो ड्रीम कमिंग ट्रू कि पहले बैच में इन लोगों को ट्रेन किया और दूसरे बैच में ये हमारे साथ खड़े हो गए हैं। दिस इज समथिंग बिग। इनको मैं हम सेपरेट ईमेल्स भी कर देंगे फॉर सेइंग थैंक यू, एंड वंस अगेन वी आर वेरी हैप्पी कि आप लोग हमारे साथ मिले। डॉक्टर साहब, आप लोग एज पर प्रेजेंटेशन इसको स्टार्ट करें, देन आई विल बी एडिंग दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड कि हम किस तरह से एआई को इधर लेके आ रहे हैं, व्हाट इज आर फ्यूचर प्लान। और उसमें मैं एक आज इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व आर स्टूडेंट्स, द पास स्टूडेंट फ्रॉम बैच वन एंड बैच टू इन टू द प्रोसेस। जैसे कि अभी हमने दो बच्चों को ऐड किया है एक बहुत बड़े इनिशिएटिव में आज सुबह, इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जी और भी बच्चे निकल के, मैं उस पर बात करूंगा जब तक ऑडियंस और ज्वाइन कर ले। आप लोग स्टार्ट करें, एंड आई विल टेक ओवर इन लाइक 5-10 मिनट्स। ठीक बेहतरीन। ओके सो लास्ट वीक में वी आवर डिस्कसिंग डेटा साइंस एंड वी टॉक्ड अबाउट डेटा साइंस प्रोसेस। डेटा साइंस प्रोसेस में हमने जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज डिस्कस की थी वो थी एक्वायर, प्रिपेयर, एनालाइज, रिपोर्ट एंड एक्ट। हमने तफसील से डिस्कशन की थी एक्वायर पे, प्रिपेयर पे, और उसके बाद हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं दैट कम्स इनटू द एनालाइज पार्ट। एनालाइज पार्ट वो जगह है जिधर आप अपने डेटा से एक्चुअली मॉडल्स डेवलप करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन मॉडल्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी और हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे थे।
आज हम उसी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द साइकिटलर। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट हारिस के वो एक प्रेजेंटेशन शेयर कर दे ताकि हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें कि ये एल्गोरिदम जो हम साइकिटलर में यूज करेंगे ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो इनफैक्ट साइकिटलर्न में मल्टीपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन हम सिर्फ जो कुछ इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं उनकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इट डजंट मीन के दीज आर द ओनली एल्गोरिदम्स अवेलेबल। साइकिटलर्न में मल्टीपल हमारे पास टेंस ऑफ एल्गोरिदम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो एल्गोरिदम आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे ये सारे, पहली बात है कि ये सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं। इसका मतलब है कि इनकी आउटपुट हमेशा एक कैटेगरी होती है या एक नॉमिनल एट्रीब्यूट होता है, और दूसरा ये पॉपुलर एल्गोरिदम है। तो हरिस, हम तीन से चार एल्गोरिदम्स आज डिस्कस कर रहे हैं। जी सर, आज हम तीन से चार एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। उनको आप लोगों को कोशिश करेंगे कि जितना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोगों को कन्वे कर सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट वो आपको दें, और साथ फिर उनका हैंड्स ऑन ऑब्वियसली उसके बाद नोटबुक के ऊपर वो भी होगा। तो लेट्स जस्ट गेट द थिंग्स गोइंग। सबसे पहला जो एल्गोरिदम हमारे पास आता है, जो टेक्निक है हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए, वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हरे सिद्धर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, रिग्रेशन तो कुछ और होता है, आप कह रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग से मामला। बिल्कुल, देखें नाम इसका थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ऑब्वियसली बच्चों को कि हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर हम जो है वो वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, एक कुछ नंबर्स को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम, मैंने आपको बोला है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अब समझना है। सबसे पहले मैं आपको रिग्रेशन बताता हूँ। रिग्रेशन क्या है कि आप कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं कोई भी सर्टेन नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक एक प्लेयर जो एक मैच खेल रहा है वो कितना स्कोर इस मैच में स्कोर करेगा, 80-90, आप जीरो से लेकर अप टू लेट्स से 200 के दरमियान एक वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि आज के मैच में वो कितनी जो स्कोर है वो करेगा। ये हो गया एक सिंपल रिग्रेशन। लेकिन जब आपके पास एक उसी रिग्रेशन एल्गोरिथम को आप एक टेक्निक लगाते हैं और क्या करते हैं कि आपके पास लेट से आपने क्लासिफिकेशन करनी है और आपके पास दो चीजें हैं कि आपने लेट से प्रेडिक्ट करना है कि ये कैट है या नॉन कैट है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि एल्गोरिथम आपका वैल्यूज प्रेडिक्ट कर रहा है और वो जीरो से वन के दरमियान वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है कि अगर वैल्यू बिल्कुल जीरो वन के करीब जा रही है तो वो कैट है, और अगर वो जीरो के करीब करीब रह रही है तो आप कहते हैं कि वो नॉन कैट है, या आप अज्यूम कर रहे हैं। बट अब एक फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, एक जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस। वो क्या करता है बेसिकली, उसका नाम है सिग्मोइड फंक्शन। ठीक है, और वो फंक्शन ये करता है बेसिकली एक थ्रेशोल्ड सेट कर देता है, क्या एक बाउंड्री बना देता है कि अगर वैल्यू 0.5 से ऊपर होगी तो मैं उसको कैट वाली कैटेगरी में डाल दूंगा, अगर वो 0.5 से नीचे होगी तो वो नॉन कैट की कैटेगरी में आ जाएगा। बेसिकली प्रेडिक्शन तो वैल्यूज की हो रही थी बिटवीन 0 और 1, लेकिन आपने कन्फाइंड कर दिया उसको। एक तो सबसे पहला आपने काम किया कि नॉर्मल रिग्रेशन में आप की कोई बाउंड्री नहीं होती वैल्यू प्रेडिक्ट करने की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपने उसको कन्फाइंड कर दिया बिटवीन 0 और 1। देन आपने दूसरी चीज की कि आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो उसको एक थ्रेशोल्ड के जरिए क्लासीफाई करने में हेल्प आउट कर रहा है आपको कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कैट है या नॉन कैट है। तो इसमें मैं कुछ ऐड करूं। बिल्कुल सर, लीनियर रिग्रेशन में आपके पास वैल्यू आती है वो नेगेटिव इनफिनिटी से लेके पॉजिटिव इनफिनिटी तक हो सकती है। अब हमें पता है कि ये तो पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ नंबर से भी ज्यादा है। हम जब इन वैल्यूज को हमने जब क्लासिफिकेशन करनी होती है तो हम सिग्मोइड फंक्शन अप्लाई करते हैं। सिग्मोइड फंक्शन की खास बात यह है कि आप इसे दुनिया का कोई भी नंबर दें, मैं रिपीट कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी नंबर, मीन नेगेटिव इनफिनिट नंबर से लेके पॉजिटिव इनफिनिट नंबर तक दुनिया का कोई भी आप नंबर या इंटीजर इसे दें तो ये इसे जीरो से वन के दरमियान मैप कर दे। ठीक है,
ये इस फंक्शन की खास बात है। तो अब पहले आपके जहन में आ रहा होगा कि यार नंबर तो कुछ भी आ सकता है रिग्रेशन में, तो हम उसे जीरो से वन में कैसे मैप करेंगे। तो आप जब भी सिग्मॉइड को इनपुट के तौर पे कोई नंबर देते हैं तो सिग्मॉइड उस नंबर को जीरो से वन के दरमियान मैप कर देता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिग्मॉइड फंक्शन की। सिग्मॉइड का फॉर्मूला इधर नहीं है वैसे, इट इज इक्वल टू वन ओवर यानी कि वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई रेज टू पार माइनस जी। जी जो है वो डब्ल्यू एक्स प्लस बी होता है। तो जब हम रिग्रेशन में जाएंगे तो हम इसको एक दफा दोबारा तफसील से भी बता देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो टेक अवे है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड फंक्शन यूज होता है जिसे लॉजिस्टिक फंक्शन भी लोग कहते हैं, और ये एक मैथ का फंक्शन है। इनपुट के तौर पे कोई भी इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, आउटपुट के तौर पे उस इंटीजर को जीरो से वन में मैप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी खास बात यह है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव इंफिनिटी से जीरो तक है तो वो जीरो से 0.5 के दरमियान कहीं भी मैप होगा। अगर कोई इंटीजर जीरो से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक है तो वो 0.5 से लेके वन तक कहीं भी मैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ये रेंज आ गई उसके बाद काम बड़ा आसान है। आप एक क्लासिफायर डिफाइन कर लेते हैं कि यार अगर मेरा जो आंसर है वो 0.5 से कम होगा तो मैं उसे नॉन कैट कंसिडर करूंगा, अगर मेरा आंसर 0.5 से ऊपर होगा तो मैं उसे कैट कंसिडर करूंगा। अच्छा, अब जितना आपका आंसर जीरो के करीब होगा उतना आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि ये नॉन कैट है जो रिकॉर्ड है, और जितना आपका आंसर वन के करीब होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस अपने मॉडल पे ज्यादा होगा कि यार ये एक्चुअली जो रिकॉर्ड था ये कैट का रिकॉर्ड था, ठीक है। सो दैट इज हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स। ओवर टू हारिस। ओके, सो आपको जो स्लाइड के अंदर एक कर्व सा भी नजर आ रहा होगा, तो इसके अंदर हम जी जो कर्व है इसको एस कर्व बोलते हैं, और ये आपको जो क्या कहते हैं वैल्यूज, जो आपकी एक ग्राफ जो आपके पास बनता है, वैल्यूज जिस तरह से मैप होती हैं ग्राफ के अंदर, उसकी भी एक पिक्चर दे रहा होता है कि आपके पास एक जो बाउंड्री है वो है y is equal to 0 पर और एक है y is equal to 1 के ऊपर, कि आपकी जो वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ रही हैं वो या तो 0 होंगी या उसके नियर होंगी, या 1 होंगी या उसके नियर बाय होंगी, और इन बिटवीन आपका एक थ्रेशोल्ड होगा, और इसी की तरह से आप जो है वो वैल्यूज को दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है हारिस कि ये सिर्फ बाइनरी क्लासिफायर है। जी, बाइनरी क्लासिफिकेशन आपके पास जो है वो सिर्फ आपको ये प्रोवाइड करता है। ओके, और इसके बाद आई थिंक फॉर नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए आपके इतना कॉन्सेप्ट काफी है, काफी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एल्गोरिदम जो बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम में से एक है आजकल, उसका नाम है डिसीजन ट्री। अच्छा, सबसे पहले ये ट्री पे बात करते हैं। ट्री का जब भी लफ्ज आता है आपके जहन में दरख्त आते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो जो जंगलों में लगने वाले दरख्त है ना, ये वो दरख्त नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस में ना एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास रूट पे, आपके सामने स्लाइड पे भी आपको स्टार्ट में एक ओवल नजर आ रहा है, उससे फिर दो लाइनें निकल रही हैं, उसके नीचे दो ओवल्स हैं, उसके लाइनें और निकल रही हैं नीचे। इसे कंप्यूटर साइंस की जुबान में इस डेटा स्ट्रक्चर को ट्री कहते हैं, यानी कि ये डेटा को अरेंज करने का एक तरीका है जिसको हम ट्री कहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की जुबान में जब भी हम ट्री कहते हैं तो एक्चुअली हमारे जहन में इस किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है, वो जंगल में लगने वाले दरख्त नहीं होते, ठीक है। पहली चीज तो ये हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। अच्छा सॉरी, अच्छा हमारे पास अब जो ये एल्गोरिदम है डिसीजन ट्री क्यों कहते हैं? देखें, डिसीजन ट्री से इसलिए कहते हैं कि इसमें हर नोड पे किसी एक फीचर यानी एट्रीब्यूट की बेस पे कोई फैसला हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर लगाई है, ये भी हमारी पसंदीदा एग्जांपल है कैट और नॉन कैट की। तो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास तीन एट्रीब्यूट है। पहला एट्रीब्यूट ये है कि गिवन एनिमल जो है उसके कान नुकीले हैं या नहीं नुकीले, यानी पॉइंटी ईयर्स हैं या पॉइंटी ईयर्स नहीं है।
दूसरा एट्रीब्यूट है कि हमारे पास जो एनिमल है उसकी मूंछें हैं कि नहीं है। वैसे बंदों की भी मूंछें होती हैं, लेकिन चूंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बिल्लियों की बात ही ज्यादा करेंगे। और तीसरा एट्रीब्यूट हमने चूज किया कि हमारे पास जो एनिमल है उसका फेस राउंड है या नॉन राउंड, राउंड गोल को कहते हैं बाय द वे, ठीक है। अब ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं और इसकी बेस पे मैंने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम से एक मॉडल ट्रेन करना है। अच्छा, ये लफज या ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मेरे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस पे मैंने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम से एक मॉडल ट्रेन करना है। आपको पता होगा कि जब हम एल्गोरिदम को डेटा दिखाते हैं तो उसके बाद ही मॉडल बनता है, ठीक है ना, ये चीज हमें क्लियर है। तो अब ये डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम लर्निंग कैसे करता है, ये सबसे पहली नोड पे एक फीचर सिलेक्ट करता है, यानी अच्छा फीचर और एट्रीब्यूट इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, ये आपको पता होगा, कॉलम की बात है, ठीक। तो हमारे पास तीन फीचर्स हैं, ईयर पॉइंटी है या नॉन पॉइंटी है, फेस राउंड है या राउंड नहीं है, और जो एनिमल है उसके विस्कर्स यानी मूंछे हैं या उसकी मूंछे नहीं है। अच्छा, अब इधर एक सवाल ये पैदा होता है, मेरे पास तो तीन फीचर है, मैं सबसे पहला फीचर कौन सा लूंगा, कोई भी ले लू तुक्का लगा के, लगा सकता हूं लेकिन उससे एल्गोरिदम अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा फीचर सिलेक्ट करें जो डेटा को इस तरह स्प्लिट करे कि डेटा प्योर हो जाए। अब प्योर घी और मक्खन का नाम तो सुना था, ये डेटा प्योर कैसे होता है ना, अजीब सी बात। ये बड़ी आसान बात है, आपके पास मिक्स डेटा है कैट और नॉन कैट का, अगर आप उस मिक्स डेटा को दो हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि ऐसे दो हिस्सों में तोड़ें कि एक हिस्से में सारी कैट्स हों, दूसरे हिस्से में सारी नॉन कैट्स हों। तो हम कहेंगे इस किस्म के डेटा की प्योरिटी मैक्सिमम है, ठीक है, यानी ये बहुत ही प्योर डेटा है। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं मिक्स डेटा को इस तरह स्प्लिट करूं कि ज्यादा डेटा किसी एक क्लास से बिलोंग करे तो मेरे डेटा की प्योरिटी ज्यादा हो रही है। और हम मैथ को यूज करते हुए इन तीनों एट्रीब्यूट्स में से देखते हैं कि किस एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करने से सबसे ज्यादा डेटा प्योर होगा। तो इसका मतलब है कि जब मैंने सबसे पहली नोड बनानी है, आपको ये ट्री में नोड नजर आ रही है ना, ये जो गोल सर्कल और जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं, इन सब को ट्री की जुबान में हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में हर नोड एक डिसीजन नोड होती है, और हमारे पास जो आखिर में आपको चार नोड्स नजर आ रही हैं, उनकी उनकी शेप भी डिफरेंट है, इन्हें हम ट्री की जुबान में लीफ नोड कहते हैं, ठीक है। और लीफ नोड जो है डिसीजन ट्री के अंदर वो फाइनल डिसीजन होता है, यानी कि इसकी क्लास क्या है। ऊपर के जो डिसीजन हमने ओवल में बनाए हैं वो फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन वो डिसीजन करके डेटा को स्प्लिट जरूर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं समरी बताता हूँ, पहले ट्रेनिंग की पहले मैं समरी बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, उसके बाद एक बार फिर इसको मैं रिविजिट कर दूं। डिसीजन ट्री ऐसा ट्री है जिसमें हर नोड पर डिसीजन करना है आपने, और डिसीजन क्या करना है कि आने वाली जो तस्वीर है वो कैट की तस्वीर है या नॉन कैट की तस्वीर, ठीक है। यानी इस एल्गोरिदम को जब भी आप एक तस्वीर दिखाएंगे आपको रिजल्ट मिलेगा ये बिल्ली की तस्वीर है, या ये रिजल्ट मिलेगा ये बिल्ली की तस्वीर नहीं। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। आपने ट्रेन करने के लिए क्या किया, आपके पास जो तीन फीचर्स या एट्रीब्यूट्स थे आपने उनमें से मैथ अप्लाई करके ऐसा एट्रीब्यूट चूज किया जिससे डेटा की प्योरिटी यानी स्प्लिट करने की प्योरिटी बढ़ जाए, ठीक है। अब जब आप ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढ लेते हैं तो आप उसको सबसे पहले रूट नोड यानी सबसे पहली नोड पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने तस्वीर के अंदर सबसे पहली नोड पे लिखा हुआ है कि इसके ईयर पॉइंटी है या पॉइंटी नहीं है, इसको मैंने ईयर शेप फीचर का नाम दे दिया, ठीक है। अब जब आपने रूट नोड ले ली तो अब रूट नोड से दो ब्रांचेस जाएंगी, एक हाँ दूसरी नहीं। यानी जब आपने इसको कोई बिल्ली की तस्वीर दिखाई तो या तो उसके कान नुकीले होंगे या कोई नुकीले नहीं होंगे,
अगर नुकीले होंगे तो आप एक ब्रांच में जाएंगे, अगर नुकीले नहीं होंगे तो आप दूसरी ब्रांच में जाएंगे. ओके अब हम पहले फॉलो करते हैं वो ब्रांच जिसमें कान नुकीले हैं, मतलब ईयर शेप पे हमने स्प्लिट कर लिया डाटा, अब कान नुकीले हैं. अब इसके बाद हमने दोबारा डाटा को स्प्लिट करना है ताकि वो दोबारा और प्योर हो जाए या वो एक क्लास में चला जाए. उसके बाद हम फिर वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं. अब हमारे पास लेकिन फीचर दो रह गए, एक ये है कि उसकी उसका फेस राउंड है और दूसरा है कि उसकी मूंछे हैं या नहीं है. तो हम दोनों पे फिर मैथ अप्लाई करके देखते हैं, जिस पे सबसे ज्यादा डाटा प्योर होता है वो वाला जो है फीचर उसकी बेस पे दोबारा डिसीजन कर लेते हैं. तो अब आप नीचे देखें ईयर शेप के, तो फेस शेप अगर राउंड है तो ज्यादातर बिल्लियों का मुंह गोल होता है, ठीक है, तो इसकी बेस पे डिसीजन हो जाएगा. और अगर इस पॉइंट पे बिल्ली का मुंह राउंड नहीं है तो वो फिर बिल्ली नहीं रहेगी. सिमिलरली अब आखिरी फीचर जो आपके पास, अब इस पॉइंट पे आपके पास और डाटा डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि डाटा एक्सट्रीमली प्योर हो गया. अच्छा इस प्योरिटी को ना मैं एक मुश्किल नाम दूंगा लेकिन 5 मिनट बाद, अभी नहीं. तो अभी प्योरिटी आपको समझ में आ गई है, अगर आपके पास सारे गिवन इमेजेस बिल्ली के हैं डाटा बहुत प्योर है, अगर आपके पास सारे गिवन इमेज बिल्ली के नहीं है तो भी डाटा बहुत प्योर, क्यों, क्योंकि वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं. लेकिन अगर आपके पास गिवन इमेजेस में आधे बिल्ली के इमेजेस हैं और आधे नॉन कैट इमेजेस हैं तो वो डाटा जो है ना वो प्योर नहीं, उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो इम्प्योर डाटा. और डिसीजन ट्री चलता ही इस असूल पे है कि कैसे मैं इम्प्योर डाटा को ज्यादा से ज्यादा प्योर करता जाऊं ताकि वो डाटा किसी एक क्लास से बिलोंग कर ले और मुझे पता चले. ये जनरल असूल है डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का. तो अब ये ट्री आप लोगों को नजर आ रहा है. अब फर्ज करें आपके पास एक कैट का इमेज आएगा, तो आप आपके पास कोई एक इमेज आएगा तो आप फैसला कैसे करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं. आपके पास इमेज आएगा, अब सबसे पहले रूट पे पड़ा हुआ है ईयर शेप, यानी उसके कान नुकीले हैं या नुकीले नहीं है. आप देखेंगे कि उस तस्वीर के कान नुकीले हैं, ओके अगर नुकीले हैं तो फिर आप फेस शेप की तरफ चले जाएंगे. अब उसके बाद अगर फेस शेप पे पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि क्या इसका चेहरा गोल है, अगर चेहरा गोल है तो फिर आपको यकीन हो जाएगा ये तस्वीर बिल्ली की, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको यकीन हो जाएगा ये तस्वीर बिल्ली की नहीं है. तो दैट इज हाउ डिसीजन ट्री एल्गोरिदम क्लासिफाइज डिफरेंट रिकॉर्ड्स. वो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है, वो रिकॉर्ड कोई एक तस्वीर भी हो सकती है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है. ओके अब इस पॉइंट तक मेरा ख्याल है कि हमें क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन ट्री एक एल्गोरिदम है, उसमें हर नोड हम डिसीजन करते हैं और हर नोड पर डिसीजन करते करते हम लीफ नोड पे पहुंच जाते हैं और लीफ नोड जो है वो प्योर होती हैं और किसी एक क्लास से बिलोंग करती हैं जिसे हम फाइनल डिसीजन कहते हैं. ये जो प्योरिटी है इसको कंप्यूटर साइंस में इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चूंकि ये एडवांस कोर्स है तो मैं आपको दो तरीके जो हैं वो बता रहा हूं आपकी रिसर्च के लिए. एक तरीका जो है उसे हम कहते हैं GINI, जीनी, ठीक है, जीनी एक तरीका है स्प्लिट करने का डाटा को किसी एक डिसीजन नोड पे बेस्ड ऑन अ फ्यूचर. और दूसरा तरीका जो है उसे हम कहते हैं एंट्रोपी, और उसी से एक और टेक्निक निकलती है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन. ठीक है, यानी अब आपने दो चीजें जो है उनको स्टडी करना है, एक आपने जीनी को स्टडी करना है और एक आपने इंफॉर्मेशन गेन को स्टडी करना है. जी इरफान भाई, ये जरा स्लाइड हटाइएगा, ये जो आपने तीन मेथड इनको बताए हैं ये तो प्लीज इसको एक्सप्लेन ना कीजिएगा, कोशिश करें कि ये इनको एज ए टास्क दें, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में हारिस इनको जरा असाइनमेंट देके देखो कि जो चीज रिसर्च के लिए दी जाती है उस पे क्या इनकी कमांड हो रही है, कैसे हो रहा है. ठीक है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता चलूंगा. डेटा के अंदर जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग लगा रहे हैं यूजिंग जस्ट वन एल्गोरिथम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, इस वक्त जो एवेन्यूज ओपन अप हो रहे हैं ये बताना जरूरी है कि व्हाटएवर यू वांट टू लर्न वो आप अप्लाई कहां करेंगे.
जो एवेन्यूज ओपन होने जा रहे हैं वो ये हैं कि देर आर सो मैनी कंपनीज, देर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट ऑनर, वो ये ढूंढ रहे हैं कि दे आर लुकिंग फॉर पीपल जिनको रॉ डेटा दिया जाए और वो उस रॉ डेटा पे ये सारे एल्गोरिदम्स अप्लाई करें और उनके लिए सारा कुछ करके दे. इट्स अ फुल टाइम जॉब नाउ, फुल टाइम जॉब नाउ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्योर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट. लेट्स से वी आर गोइंग टू डेवलप ए प्रोजेक्ट एंड इन दैट प्रोजेक्ट वी हैव सर्टेन डेटा, बट उस डेटा को आप लेगेसी डेटा कहते हो. लेगेसी डेटा हम हमारी अपनी काइंड ऑफ सो कॉल्ड टर्म है. वो ये है कि आप 8-10 साल से कहीं सिस्टम चला रहे हो, कोई भी सिस्टम आप डेटा कैप्चर करते गए हो, वो डेटा डिजिटल फॉर्म में तो है लेकिन उसका कोई सर पैर नहीं है. वो मतलब आप उसको ये भी नहीं कह सकते वो टोटल जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ना ही आप उसको ये कह सकते हैं कि टोटली वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है. वहां पे इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है आप सब लोगों के लिए कि आप जाके उस डेटा को कंपैटिबल बना सकते हो उस विजन के साथ जो वो प्रोडक्ट ओनर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. Why I'm saying this? Because already हम लोग on board ला रहे हैं and I'm so happy to share with you that वो लोग हमारे ही students हैं. हम अपने ही students को पैर जाके ये opportunity दे रहे हैं कि यार आप on board हैं. और उसके लिए हम लोग कैसे देखते हैं कि हमें कैसे पता है कि यार कौन सा बच्चा है जिसको हमने reach out करना है, वो आपकी activities है. आप किस तरह से comment कर रहे हो, कितना आप Facebook group के अंदर लोगों को help out कर रहे हो, कितना कॉम्पिटेंट हो, कितनी सर्टिफिकेशंस ले रहे हो, खुद से रिसर्च कितनी कर रहे हो, अपने काम को आके ग्रुप में कितना पोस्ट कर रहे हो, इस सारी चीजों पे हमारी नजर है. देयर आर सर्टेन पीपल जो मैंने आप जिनकी लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उसके अलावा भी हैं जो हमारी नजर में है और जिनके लिए हमारे पास ट्रूली प्लान है कि हम उनको कैसे करना है. अब क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स CMS एंड ऑल दैट स्टफ ताकि हम इसको फर्दर स्ट्रीमलाइन करें. सो प्लीज ये जो एल्गोरिथम आप लोग पढ़ रहे हो, मैं जहां बैठा हूं इस वक्त, इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेट वे आएगी. यू जस्ट गो एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट ऑन लिंक्डइन, यू जस्ट गो एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, लर्न अबाउट इट, एंड फिर आप फ्रीलांसिंग में जाएंगे. व्हाट यू रियली कैन डू, और वी आर लुकिंग फॉर पीपल ऑनेस्टली स्पीकिंग, द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर पीपल जो इस तरह के काम कर सकते हो. ये अहमियत बताना जरूरी है क्योंकि मेरा काम है इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेवल करना, एक्सप्लोर करना, डील्स लॉक करना, पढ़ना थोड़ा बहुत, पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, और उसके बाद चीजों को वापस पाकिस्तान लेके आना. क्योंकि अगर इनोवेशन पाकिस्तान में लानी है तो somebody will have to step you know out, और वो जाके बैठ के डिस्कशन करेगा. इस वक्त आई एम इन हार्ले स्ट्रीट, हार्ले स्ट्रीट लंडन, यू नो बिल्कुल हार्ट ऑफ द लंडन, और हार्ले स्ट्रीट में होना एक बहुत बड़ी बात है. और हार्ले स्ट्रीट के ऑपरेशंस को समझना और इस तरह के हेल्थ केयर में हम इनोवेशन लाना. एंड आई एम यू नो सिंस मॉर्निंग आई एम टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, के यार दुनिया में क्या हो रहा है, हाउ वी कैन यू नो डू द इनोवेशन. और जब इनोवेशन की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात हो रही है, और जब डेटा की बात हो रही है तो बात एल्गोरिदम, इसी एल्गोरिदम पे आके खत्म होती है. वट एवर यू आर गोइंग टू अचीव, वट एवर इन द वर्ल्ड ऑफ AI, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू डू दिस. सो इसलिए जो तीन टास्क आपको दिए गए हैं, इस पे मैं देखूंगा कि कितनी असाइनमेंट्स आपको आती है और आप अपने इनिशिएटिव कैसे लेते हो, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके ग्रुप में कितना पोस्ट करते हो. अब हमारे जो नए टीम मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे साथ जुड़े हैं, आरएस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाओ कि वो ग्रुप में जाके मुझे पिक करके दें कि इस असाइनमेंट पे लोगों ने कितना काम किया है, और वो नए चेहरे कौन हैं जो एक्चुअली दे आर पुटिंग इन द एफर्ट्स इन द ग्रुप एंड दे आर शेयरिंग द एफर्ट विद समवन एल्स, ताकि जब हमारा काम आउटसोर्स हो तो हम सबसे पहले उन लोगों को रीच आउट करें जो यहाँ दूसरों को रीच आउट कर रहे हैं. दिस इज क्लियरली अ लाउड एंड क्लियर मैसेज फॉर एवरीवन. देयर इज अ टास्क एंड देयर इज अ रिवॉर्ड. Go ahead, get the task done for yourself and get the reward. Dono cheeze aapke liye, you are not going to submit any fee to us. So isliye ye dono aap hi ka fayda. So team is working really hard. Doctor, please keep moving forward. This is a big announcement that I wanted to do. Phir I'll jump in. Kyunki main is waqt discussion mein bhi hoon aur aap logon ko bhi sun raha hoon. Aur aaj na mujhe na koi story banani nahi padi, mashallah. Itna easy ja raha hai. Mujhe doctor saab ke comment bhi aaye, kehte hain to bahut aasan padha rahe hain. Maine kaha ji hum itna hi aasan padhate hain. Thank you so much. So that's amazing. Thank you very much, doctor saab. Thank you very much, Haris. Please keep going. Ji. Okay. So decision tree ke baad jo ek popular, balki mazey ki baat ye hai ki agle jo dono algorithm hum padhenge, डिसीजन ट्री एक्चुअली उनका एक पिलर है, यानी वो डिसीजन ट्री ही पे बेस करते हैं और इसी को आगे लेके चलते हैं. इन दोनों मेथड्स को हम कहते हैं एनसेम्बल मेथड्स. ठीक है, एनसेम्बल होता है बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना, तो उसे एनसेम्बल कहते हैं.
तो जो एक नेक्स्ट बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है उसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है, पहले मैंने आपको ट्री पढ़ाया, अब मैं आपको फॉरेस्ट पढ़ा रहा हूं। तो ट्री और फॉरेस्ट में रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा कि एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, और चूंकि हम एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं, तो जब मैं फॉरेस्ट कह रहा हूं तो उस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होंगे वो छांगा मांगा वाले तो डेफिनेटली नहीं होंगे, वो डिसीजन ट्री जो अभी हमने पढ़ा था वो वाले ट्रीज होंगे। और रैंडम का लफ्ज इसलिए है कि रैंडम एक रोल प्ले करता है इन ट्रीज को ग्रो करने में। चलें, अब हम जनरल, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रैंडम फॉरेस्ट एक एल्गोरिदम है जिसमें हम मल्टीपल डिसीजन ट्रीज जो है वो डेवलप करते हैं। अच्छा, जब मैं डिसीजन ट्री डेवलप करने का कह रहा हूं ना, इसका मतलब है कि मल्टीपल डिसीजन ट्री बेस्ड मॉडल बनाना। ठीक है, आपको पता है कि डिसीजन ट्री एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को जब आप डेटा दिखाएंगे तो मॉडल बनेगा। अब अगर हमने डिफरेंट सेम डिसीजन ट्री एल्गोरिदम से हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं तो हमें चेंज किधर करनी पड़ेगी? डेटा में। तो अब रैंडम फॉरेस्ट में वही हम सिर्फ डेटा को चेंज करते हैं और उसकी बेस पे हम मल्टीपल ट्रीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक ट्री की, एक डिसीजन ट्री की बजाय मैं कहता हूं जी मैंने 10 डिसीजन ट्रीज का फॉरेस्ट बना लिया। उसके बाद जब ये 10 के 10 मॉडल बन जाते हैं, तो उसके बाद जब आपने कोई प्रडिक्शन या इन्फ्रेंस करना होता है तो आप जो इनपुट है वो इन 10 के 10 मॉडल्स को देते हैं और मेजॉरिटी वोट की बेस पे आप, जैसा कि यूके की जमहूरियत में होता है कि मेजॉरिटी वोट की बेस पे आप डिसीजन करते हैं कि कौन सा वाला जो इनपुट है वो एक्चुअली डॉक्टर किस साहब, वाई क्लास से यूके, बिलोंग करता है। वाई यूके, हाँ, बस वाई नॉट, मेरा नहीं जमहूरियत नहीं नहीं जमहूरियत दैट में नहीं। जोर देखिए, जब बात है। करनी है तो फिर आप सही से बात करें। पढ़ाते पढ़ाते यूके में मेजोरिटी पे फैसला होता है बस, बाकी कहीं नहीं होता। बाकी भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम कमिंग बैक सून, लुकिंग बिल्कुल, फॉरवर्ड टू इट। तो डाल दे यूके पे। उसकी तो मेजॉरिटी वोट जो है, तो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हमेशा मेजॉरिटी वोट की बेस पे फैसला होता है। अच्छा, अब ये मॉडल्स बनते कैसे हैं? आपके पास फर्ज करें कि 10 रिकॉर्ड थे और आपने उनसे डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं, लेकिन ये 10 रिकॉर्ड और 3 फीचर से तो जब भी आप ये सारा अप्लाई करेंगे ये तो सेम ही मॉडल बनेगा। तो सेम मॉडल 10 दफा बनाने का तो फायदा ही कोई नहीं, वो तो जवाब भी सेम देगा। तो उसके लिए आप चेंज ये करते हैं कि आप अपने जो रोज हैं 10 रोज, उनमें से रैंडमली 10 रोज पिक करते हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि सर 10 रोज हैं, रैंडमली पिक की तो 3 4 रिपीट हो जाएंगी। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल रिपीट हो जाएंगी, इसी तरह तो डेटा फर्क होगा। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये एक नया लफज है जो मैं चाहता हूं आप लिख लें कि रैंडम फॉरेस्ट में जब हम इनपुट डेटा सेट में से डेटा चूज करते हैं तो हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये आपकी अगली एक असाइनमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है। नहीं पता हुआ तो हम बता देंगे या हमारे जो टीम है वो आपको गाइड कर देगी। अच्छा, इसमें जो दूसरा काम हम करते हैं वो ये है कि बजाय 3 के 3 फीचर के हम 3 फीचर भी ले सकते हैं। डिफरेंट रोज सेलेक्ट कर लिए हैं हमने, हमें लगता है कि 10 मॉडल डिफरेंट बनेंगे, लेकिन अगर फर्ज करें हमारे पास 10 फीचर्स या एट्रीब्यूट होते तो हम फीचर्स का भी सबसेट लेते। यानी कि एक तो हमने अपना जो डेटा सेट है वो रैंडमली लिया जो कि हर मॉडल के लिए फर्क होगा, दूसरा हमने फीचर्स का भी सबसेट लिया। यानी कि 10 में से किसी में कोई डिफरेंट 6 यूज हुए, दूसरे में डिफरेंट 6 यूज हुए। अच्छा, फीचर चेंज करने से क्या होगा? फीचर चेंज करने से अब जब आप वो प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे या इम्प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे वो तो हर एट्रीब्यूट की फर्क हो जाएगी ना, और उसी प्योरिटी की बेस पे आपका ट्री जो है वो रूट नोड पे कोई और एट्रीब्यूट होगा,
पहले मॉडल की, दूसरे की कोई और होगा, तो इस तरह फिर आपके 10 के 10 डिसीजन ट्री मॉडल्स जो आपके रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हैं वो सारे के सारे खुद ब खुद डिफरेंट मॉडल्स बन जाएंगे। और जब आपने ये ट्री डिफरेंट ग्रो कर लिए तो अब आपके पास 10 ट्रीज हैं जो कि एक फॉरेस्ट बन जाएगा। तो सेम डाटा था, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन उन्हें आपने इस तरह से यूज किया उस डाटा और एट्रीब्यूट्स को कि बजाय एक डिसीजन ट्री मॉडल बनाने के आपने एन डिसीजन ट्री मॉडल्स बना लिए। और अब जब भी आपने प्रेडिक्शन करनी है, आप एक इनपुट डेटा या रिकॉर्ड देंगे इन 10 के 10 मॉडल्स को, और ये 10 के 10 मॉडल्स मेजॉरिटी वोट की बेस पे डिसाइड करेंगे कि लेबल क्या होगा या प्रेडिक्शन का जवाब क्या होगा। ठीक है, तो टेक अवे ये है कि रैंडम फॉरेस्ट इज एन एल्गोरिदम विच डेवलप्स मल्टीपल डिसीजन ट्री मॉडल्स टू फॉर्म द टू डू द प्रेडिक्शन। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो एल्गोरिदम आता है वो आता है ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब इसको थोड़ा समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लें एक बच्चे की, जिसको आपने आपका एम है कि इस बच्चे के फुल मार्क्स आने चाहिए 100 out of 100। जी जी सर, आई वुड सजेस्ट आज आपको कोई क्विज है। जी जी सर, क्विज है, बिल्कुल क्विज है। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि जब आप एक एल्गोरिथम से दूसरे एल्गोरिथम पे मूव हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ना बीच में 2-4 minutes, 5 minutes गैप जरूर दे, क्योंकि ग्रेडियंट बूस्टिंग इज गोना बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स। तो मेरे को हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है, तो हम उस पे भी जा सकते हैं ना साथ हमारे पास। हां, किसकी इम्प्लीमेंटेशन? ये जो डिसीजन ट्री है और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आई वुड रिकमेंड द सेम, क्योंकि एक्चुअली ये कंफ्यूजन भी हो जाती है, और ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए आप थोड़ा सा इनको टाइम देते हैं जस्ट टू यू नो गेट देयर माइंड सेटल्ड। वो स्टफ हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग पिक नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन, आई एम जस्ट शेयरिंग इट, क्योंकि मुझे ये लगा था, तंग किया था इसने मुझे, मतलब ये नहीं था वो ग्रेडियंट डिसेंडेंट भी था, सारा कुछ था, लेकिन और करता ही है। ठीक है, अगर हम वन लाइनर बता देते हैं क्यों ना इसको भी, क्योंकि ये मैं वन लाइनर पे, क्योंकि ये एक्चुअली रैंडम फॉरेस्ट का ना भाई है। बिल्कुल, हां हां, मैं वो तो मुझे नजर भी आ रहा है, मुझे याद, मैं बताने की कोशिश। क्रिस हारिस, जरा सा आइडिया दे दें, बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करने देते हैं। जस्ट एक सेकंड सर, मैं चेक इन करता हूं, आप पढ़ाओ फिर देखता हूं, कमेंट देख रहा हूं मैं। बेहतरीन, जबरदस्त। ओके, वकास भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो वकास भाई आपसे गुजारिश यह है कि मैं मेरा फोन पे हूं और मैं आपको ही मैसेज चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम टॉकिंग और मेरा फोन सामने है मेरे पास। ठीक है, वो उसने मुझे कुछ फाइल्स भेजी है। ठीक है, प्लीज गो। ग्रेडियंट बूस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर हम शॉर्ट वे या वन लाइनर में अगर कहना की बताने की कोशिश करें, तो सिंपल यह है कि आपके पास मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हैं, लेकिन अब आप मॉडल को क्या कर रहे हैं कि मॉडल पहले एक डिसीजन ट्री के ऊपर डेटा ट्रेन होगा, उसकी जो कमियां होंगी वो नेक्स्ट डिसीजन ट्री के पास जाएंगी, वो उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करेगा, देन नेक्स्ट डिसीजन ट्री के पास जाएगा, वो उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेगा। एट दी एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो तमाम डिसीजन ट्रीज का कंबाइंड आंसर आएगा, बट ये सीक्वेंस में होगा। रैंडम फॉरेस्ट में पैरेलल में तमाम का डिसीजन आ रहा था, मेजोरिटी वोटिंग ले रहे थे, लेकिन जो आपके पास ग्रेडियंट बूस्टिंग है इसके अंदर आप सीक्वेंशियल एक डिसीजन ट्री के पास से गुजरे, फिर दूसरे डिसीजन ट्री के अंदर से डेटा ट्रेन हुआ, फिर तीसरे के पास एम क्या है, पिछले वाले मॉडल की कमी को पूरा करना, और एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड आता है पिछले तमाम मॉडल से। और ये थोड़ा सा क्योंकि सिक्वेंशियल चलता है तो थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है ट्रेनिंग स्पीड वो कम होती है बाकी एल्गोरिथम्स के निस्बत, तो ये बड़ा शॉर्ट इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है। नहीं, देखिए आप इसको यूं समझ लें थोड़ा सा कि जस्ट लाइक ना यू नो इंटरव्यू प्रोसेस, अगर आप इंटरव्यू के डिफरेंट पैनल बनाया एंड द कैंडिडेट इज कमिंग, सो मेनी कैंडिडेट्स आर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो पहला पैनल बैठता है, 100 कैंडिडेट्स आए, उसमें से उन्होंने जो रेलेवेंट कैंडिडेट थे फॉर एग्जांपल बेसिक असेसमेंट के बाद पास आउट कर दिए, बाकियों को वहां पे डिस्कार्ड कर दिया, फिर दूसरे पैनल के पास गए, तीसरे पैनल के पास गए,
हारिस जो एक चीज बोली वो ये है कि जब इसके पास फाइनल आउटपुट आती है वो कलेक्टिव होती है. कलेक्टिव आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग देता है. इट्स लाइक यू नो वी आर टेकिंग फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स एंड पुटिंग इट टुगेदर. एक्चुअली वो कलेक्टिव नहीं होती, उसके अंदर सबकी कंट्रीब्यूशन होती है. आउटपुट दैट इज कमिंग उन सबकी कंट्रीब्यूशन. कलेक्टिविटी का मतलब थोड़ा सा वो चला जाएगा मल्टी थ्रेड वाली साइड पे. सो लेकिन इसके जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है तो आरएस ने पहले बता दिया कि यार वो कॉस्ट थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि मॉडल को जब भी ट्रेन किया जाएगा वट एवर कमियां कोताहियां ढूंढने के लिए भी दूसरा मॉडल भी उतना जोर लगाएगा, तीसरा भी उतना जोर लगाएगा, चौथा भी उतना जोर लगाएगा. ऐसा नहीं होगा कि पहले मॉडल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा होगा या दूसरा मॉडल बहुत कम करेगा. थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा लेकिन इट वॉन्ट बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. सो दैट वुड बी ऑपरेशनल कैलकुलेशन. और आपने हमेशा एक बात जहन में रखनी है इन द वर्ल्ड ऑफ एआई मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट कि आप जब कुछ चीज सीख रहे हैं ना तो ये सवाल कर लेना. अगर आगे डॉक्टर शिराज हारिस मैं या कोई भूल जाता है या यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपने ये सवाल जरूर करना है कि सर क्या ये कंप्यूट इंटेंसिव है, ये कितना कंप्यूट इंटेंसिव है. ठीक है, ये पूछना इसलिए जरूरी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप जहां भी जाएंगे क्लाइंट ये आपसे जरूर पूछेगा भाई सर्वर कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कैसे करने जा रहे हो. और ये चीजें आपके लिए डील ब्रेकर भी हो सकती हैं, डील मेकर भी हो सकती हैं. बट हारिस बड़ा अच्छा सिंपल कर दिया आपने. थैंक यू. ओके जी, सो आज के हमारे जो मेन एल्गोरिदम्स थे वो हम लोगों ने कोशिश किया आपको कि उनका कॉन्सेप्ट अब दे दें. अब उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं. मैं आप लोगों के साथ नोटबुक शेयर करता हूँ और देन जो है वो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. We're gonna do the coding. बाकी शिदादे कहाँ हैं हमारे? बाकी मौजूद हैं, हम बस divide कर लेते हैं. हम they are the guys who makes us look good. ये बताएं divide कर लेते हैं या आपको मजा आ गया? मुझे लग रहा है हारिस को तो मजा आ गया. नहीं हारिस तो माशाल्लाह natural है. Very nice, keep going. चलें आप इसको करें. और मुझे अब थोड़ा ट्रैवल करना होगा. कोशिश होती है मैं कॉल ले लूँ कल इंशाल्लाह. आई थिंक होपफुली मैं कॉल्स ले पाऊंगा, शायद लोगों से बात कर पाएंगे. लेकिन अभी यहाँ 3:15 हो रहा है. पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है? 8:15. ओह, मौसम कैसा आज? ठीक है, थोड़ी सी चिल थी, थोड़ी सी ज्यादा सर्दी है लेकिन ओवरऑल ठीक है. इधर तो यह सर्दी होती है या ज्यादा सर्दी होती है? या बहुत सर्दी होती है. जैसे वो बहावतपुर के बारे में कहते हैं या गर्मी होती है या बहुत गर्मी होती है. या दिस इज व्हाट हैपनिंग. घर से निकलते हैं सूरज को देख के रास्ते में 3 दफा बारिश होती है. दैट्स द सिचुएशन है. अनप्रेडिक्टेबल वेदर. ओके, आप लोगों के सामने एक नोटबुक शेयर हो रही हो चुकी होगी स्क्रीन के ऊपर. और एक दफा चेक कर लें सबको विजिबल है नोटबुक, सबको विजिबल है तो प्लीज हमें कमेंट्स में बता दें. ओके, व्हाई वन शेयर है? ओके, नाउ नो इट्स नॉट विजिबल. ओके, इट शुड बी. वो कैंसिल कर दिया था ना. Okay, मैंने कैंसिल बटन. लोडिंग नाउ. जी, डन. ओके, सो मैंने ये हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोग इसी नोटबुक को कंटिन्यू कर रहे थे. तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि हम लोगों ने इस नोटबुक के अंदर हमने एक डेटा सेट लिया था, स्ट्रक्चर डेटा सेट था. उस स्ट्रक्चर डेटा सेट को हमने लोड किया था, उसके ऊपर प्रॉपर EDA परफॉर्म किया था. नाउ अब हमारा जो स्टेप था वो ये है कि अब हमने उसको रेडी करना है इस फॉर्म के लिए कि हम उसके ऊपर मशीन लर्निंग की जो जितनी मॉडल्स हैं एल्गोरिदम्स हैं वो अप्लाई कर सकें. तो मैंने इसको इस नोटबुक को एग्जीक्यूट कर दिया है ताकि हमारा जो प्रीवियस सारे डेटा थे वो डेटा लोड हो जाए और तमाम EDOs पे परफॉर्म हो जाए. हारिस, ये वही टाइटैनिक वाला डेटा सेट? जी बिल्कुल, हमारा टाइटैनिक वाला डेटा सेट है. और ये मैं आपको उसकी एक फाइनल शक्ल दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास तमाम डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में है. हमने तमाम डेटा को कैटेगोरिकल जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया हुआ है. कोई भी ऐसी चीज हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि अल्फाबेट्स में हो, क्योंकि अल्फाबेटिकल डाटा आप जो है वो मॉडल को पास
नहीं कर सकते। तो यहां तक हमारे स्टेप प्रीवियस लेक्चर में हो चुके थे। अब हमारा काम था इसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना। तो सबसे पहला काम अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो होना चाहिए वो ये कि आपके सामने जो इमेज शो हो रही है वो ये आपको बता रही है कि आपके पास फुल डेटा सेट होगा। उस फुल डेटा सेट में से आपने फीचर्स और टारगेट को सेपरेट करना है। फीचर एंड टारगेट्स को सेपरेट करना है। टारगेट वेरिएबल आपका वो जिसको आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया वो पैसेंजर सर्वाइव्ड किया था या सर्वाइव्ड नहीं किया था। तो हमारे पास इसकी हम एक नोमेनक्लेचर ये रखते हैं बेसिकली कि जो जितने हमारे फीचर्स होते हैं हम उनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा सेट के अंदर, और जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपके सामने एक सेल नजर आ रहा है इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने डेटा सेट लिया है और उस पूरे डेटा सेट में से मैंने ड्रॉप कर दिया है जो सर्वाइव्ड वाला कॉलम था वो। तो अब मेरे पास पूरे डेटा से वो तमाम फीचर्स मौजूद रहे लेकिन जो टारगेट वाला कॉलम है जो सर्वाइव्ड वाला कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। अब फीचर सेपरेट हो गए और जो सर्वाइव्ड वाला कॉलम है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है वाई से। ओके तो अब हमारी फीचर्स और टारगेट की सेपरेशन हो चुकी है डेटा सेट में से। इससे नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आता है कि हम लोग हमारा जो फीचर्स हैं हम वो चेक कर रहे हैं कि हमारे फीचर्स के अंदर 8 कॉलम्स होने चाहिए। हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो हमारे पास 889 रोज आ रही हैं और कॉलम 1 है, दैट्स वाई उसकी वैल्यू जो है वो आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रही। उसके बाद आपने डेटा सेट के ऊपर जो है वो स्केलिंग परफॉर्म करनी होती है। तो स्केलिंग जो है वो परफॉर्म के लिए हमने स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे यूज किया हुआ है डेटा सेट के ऊपर और डेटा सेट को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके अब जो आपके पास चीजें आ रही हैं इस फिगर को आपने समझना है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आकर स्टक हो जाते हैं कि हमारे पास अभी एक डेटा फ्रेम था, एक डेटा सेट था और वो इतनी सारी चीजों में एक्स वाई और एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट में कैसे एकदम से चला गया। आपने अभी फीचर और टारगेट्स को सेपरेट आउट किया है। अब आपका ये काम है कि मॉडल को आपने ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट देना है। अब उस मॉडल को ट्रेनिंग के लिए आपने सारा डेटा नहीं देना, उस सारे डेटा में से आपने क्या करना है ट्रेनिंग डेटा को सेपरेट करना है और टेस्टिंग डेटा को सेपरेट करना है ताकि जब आप मॉडल की ट्रेनिंग कर लें तो उसको इवेल्युएट करते हुए आप कुछ डेटा रखें जो मॉडल ने ट्रेनिंग के वक्त ना देखा हो और आप उसको दें और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी जो एक्यूरेसी है वो टेस्ट कर सकें। तो अब आप ये देखें कि जैसे ही आप ये डिविजन करेंगे इस डेटा सेट के ऊपर तो आपके पास चार चंक्स ऑफ डेटा बन जाएंगे। पहला वो होगा एक्स ट्रेन जो आपके पास फीचर्स हैं जो आपने ट्रेनिंग के वक्त मॉडल को देने हैं, और आपके पास वाई ट्रेन है वो टारगेट वेरिएबल्स जो ट्रेनिंग के दौरान मॉडल डेटा फीचर्स को देखेगा एक्स ट्रेन को देखेगा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा और देखेगा वाई ट्रेन में उसका आंसर क्या था और अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा ट्रेन करता जाएगा। जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास जो आप उसको देंगे एक्स टेस्ट आप उसको देंगे और वो प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेगा, आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज आएंगी। फिर आप क्या करेंगे उन प्रिडिक्टेड वैल्यूज को वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे कि मैंने मॉडल को एक्स टेस्ट डेटा दिया था, फीचर्स दिए थे, इसने जो मुझे वैल्यूज प्रिडिक्ट करके दिए हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं, कंपेयर करके चेक करेंगे आप और वो वहीं से आपकी एक्यूरेसी जो है वो कैलकुलेट होगी। तो आपके पास SKLearn के अंदर एक टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का एक बिल्ट इन जो है वो फंक्शन मौजूद होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और मैंने क्या किया है उस फंक्शन के अंदर आपने फीचर्स दिए हैं, अपना जो टारगेट वेरिएबल वो दिया है और मैंने बताया है कि टेस्ट साइज कितना रखना है 0.20 मींस के 20% ऑफ द डेटा आपने जो है वो टेस्टिंग के लिए उसमें से स्प्लिट कर देना है। और रैंडम स्टेट मींस कि आपने जो डेटा लेना है ऐसे नहीं है कि आपके पास 1000 रोज थी तो आपने जाके 700 में से एक कट एक जो चंक है वो कट कर लिया या 800 रोज से ऑनवर्ड आपने एक चंक कट कर लिया। मे बी पॉसिबल है कि आपके पास जो स्टार्टिंग से लेकर 800 तो जो रोज हैं वो सारी सर्वाइव वाली हो, उसके बाद वाली सारी नॉन सर्वाइव वाली हो। तो आप रैंडम स्टेट इसलिए बताते हैं कि आपका जो मॉडल है वो रैंडमली बीच पूरे डेटा में से वैल्यूज को पिक करे और टेस्ट डेटा के अंदर रख ले, रेंडमाइज डेटा हो। तो अब आप स्प्लिटिंग के लिए इसका अपने जो चार चंक्स हैं एक्स ट्रेन
एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये आपने जो है इस फॉर्म के अंदर आपके पास डेटा जो है वो आ गया है। ये आप लोगों के आगे जितने भी मॉडल ट्रेनिंग होगी उसके अंदर बहुत एक की कॉन्सेप्ट है और मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद आपके पास ये देखें, आप चाहते हैं कि आपका एक्स ट्रेन डेटा किस तरह का है, आप उसकी शेप प्रिंट करवा सकते हैं, उस तमाम डेटा को दे सकते हैं। वाई ट्रेन आपके पास किस किस्म का, देखें वाई ट्रेन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, रो नंबर आ रहा है जस्ट, और आगे उसका लेबल आ रहा है कि ये सर्वाइव था या नॉन सर्वाइव था। तो यहां से आपको डेटा के बारे में भी काफी ज्यादा क्लैरिटी और आइडिया हो सकता है। इसी तरह से टेस्ट डेटा आपके पास ना, आपका जो डेटा है वो रेडी है, अब ये ML मॉडल के पास जा सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिदम। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करने के लिए आपने sklearn.linear मॉडल्स में से इंपोर्ट कर लेना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो आपने जो मॉडल का इंस्टेंस था वो क्रिएट किया और उसके अंदर मॉडल को फिट कर दिया। क्या आपने ट्रेनिंग डेटा देना है, एक्स ट्रेन फीचर्स दिए और वाई ट्रेन टारगेट जो वेरिएबल है वो भी दिया कि ट्रेनिंग के दौरान वो फीचर्स को भी देखे और देखे कि इसका आंसर क्या है और ट्रेन होता जाए। ओके, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके पास ये एक जो मॉडल है वो ट्रेन हो गया बेसिकली। और अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने मॉडल ट्रेन किया तो उसके बाद हमने उसको इवेल्युएट करना होता है कि वो मॉडल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मॉडल इवेल्युएशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक मैंने इवेल्युएशन मैट्रिक लिया, ये हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे लेकिन आज के कॉन्सेप्ट के लिए, आज के लिए हम आपको जितना जरूरी है मैं उतना बता रहा हूँ। इसके डिटेल लेक्चर हमारा जो है वो जरूर आएगा कि SKLearn के अंदर इवेल्युएशन मैट्रिक्स में से मैं एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक्यूरेसी को आप सिंपल इस तरह से देख लें कि आपके पास मॉडल ने जितनी, आपके पास 100 वैल्यूज थी, 100 वैल्यूज में से मॉडल ने कितनी वैल्यूज एक्चुअली करेक्ट प्रिडिक्ट की, ठीक है, वो आपकी एक्यूरेसी होगी। अगर 100 वैल्यूज में से उसने 90 वैल्यूज करेक्ट प्रिडिक्ट कर दी, इट मींस उसकी एक्यूरेसी 90 है। अगर उसने 50 वैल्यूज प्रिडिक्ट की, इट मींस उसकी एक्यूरेसी 50 है, विच इज नॉट गुड। ओके, तो मैं क्या करता हूं, एक बिल्ट इन फंक्शन है डॉट प्रिडिक्ट का, उसके अंदर मैंने देना क्या है, एक्स टेस्ट, सिर्फ फीचर्स में दे रहा हूं और वो प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। और प्रिडिक्शन के बाद उसका जो स्कोर है, जो प्रिडिक्शन है, वो मैं स्टोर करवा रहा हूं इस वेरिएबल के अंदर, वाई प्रिडिक्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और आगे क्योंकि मैंने एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट करना था तो एक्यूरेसी स्कोर का मैंने फंक्शन यूज किया और उसके अंदर देखें दो चीजें आपके पास आ रही हैं। सबसे पहले वाई टेस्ट जो कि एक्चुअल आपके पास लेबल थे, देन प्रिडिक्टेड लेबल्स जो कि मॉडल ने खुद प्रिडिक्ट किए हैं डेटा को देखने के बाद। अब वो क्या करेगा, इन दोनों का कंपैरिजन करेगा और एक्यूरेसी आपको कैलकुलेट करके देगा अप टू 2 decimal places तक। तो ये आपके पास 82.02% जो है वो इसकी एक्यूरेसी आई है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। इसी तरीके से आपके पास अगला जो मॉडल आता है वो है डिसीजन ट्री क्लासिफायर का। तो sklearn.tree में से, क्योंकि अब ये एक ट्री है तो डॉट ट्री के अंदर से आपके पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर आपने इंपोर्ट किया, इसका आपने मॉडल का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया और इसके अंदर आपने इस मॉडल को फिट कर दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है। जस्ट अब नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स आएंगे वहां पे आपका मॉडल चेंज होगा, आपके स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे। आपने इसको डेटा दिया, एग्जीक्यूट किया, मॉडल आपका ट्रेन हुआ। अब इसको आपने इवेल्युएट करना है, डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से इसको एक्स टेस्ट आपने फीचर्स दिए और आगे एक्यूरेसी इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपके पास एक्चुअल लेबल एंड प्रिडिक्टेड लेबल्स आपके पास आ रहे हैं और इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास 79.21% एक्यूरेसी आई। देन आपके पास रैंडम फॉरेस्ट आया, आपने बिल्ट इन फंक्शन जो है वो इम्पोर्ट किया, उस मॉडल का एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया और उसके अंदर डेटा जो है वो उसको फिट किया। मॉडल आपका जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे मॉडल आपका ट्रेन हो जाएगा और यहाँ पे मॉडल आपका फटाफट ट्रेन हो रहा है। क्यों, आपके पास एक तो स्ट्रक्चर डेटा है और बहुत ही जो उसकी तादाद है, अमाउंट है, वो बहुत कम है, सिर्फ 889 रोज हैं जो विच इज वेरी लेस
फॉर अ मॉडल टू ट्रेन, तो वो मॉडल आपको जो बड़ा क्विकली जो है वो ट्रेन हो रहा है। इसके बाद आपने इसी तरीके से इसको इवेल्युएट किया कि आप पहले प्रेडिक्शन ले रहे हैं, उन प्रेडिक्शन को एक्यूरेसी वाले मॉडल फंक्शन के अंदर पास करें विद एक्चुअल लेवल्स, आपके पास एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है विच इज 83.15%। ओके, देन आप आते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के ऊपर। सेम तरीके से आपने ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर जो है वो उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, मॉडल ट्रेन किया, उसको फिर आपने इवेल्युएट किया। ठीक है, इवेल्युएट करने के बाद अब आप देखें कि आपके पास स्कोर आ गया है 84.27%। अब यहाँ पर तमाम जितने आपके पास मॉडल्स थे उनका जो स्कोर है वो मैंने क्यूमुलेटिव रखा हुआ है कि सबसे ज्यादा स्कोर देखें आपके पास आ रहा है ग्रेडियंट बूस्टिंग का। ग्रेडियंट बूस्टिंग का स्कोर आपके पास सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिज्म, कि जिस तरीके से वो जो उसकी अप्रोच है कि वो सिक्वेंशियली बार बार एक जो मॉडल है वो ट्रेन होता है और जो प्रीवियस जितनी डेफिशिएंसीज होती हैं मॉडल्स की उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है। बट ऑब्वियसली ऑन अ लार्जर डाटा सेट इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा होती है, तो आपने इसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है इन सम केसेस। उसके बाद आपके पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर आ रहा है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और वेरी लास्ट में आपके पास डिसीजन ट्री क्लासीफायर का स्कोर आ रहा है, एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है। तो ये आपके पास एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो हमने आप लोगों को देने की कोशिश की है कि हम लोगों ने डेटा साइंस से स्टार्ट किया, सारे प्रोसेसेस आपको बताए, देन हम डेटा के ऊपर आए, डेटा के ऊपर एक्चुअली हमने हैंड्स ऑन ईडीए किया, ईडीए के बाद हमने अब जो हमारा ये वाला सेक्शन था इसके अंदर हमने आपको क्लासिफिकेशन बताई है एसक्यूएलर में से, और उसके जो मेन एल्गोरिदम से क्लासिफाइज क्लासिफिकेशन के लिए वो बताए हैं, और उनकी जो उनको एग्जीक्यूट किया है उनकी एक्यूरेसी हमने कैलकुलेट की है, और ये आपके सामने एग्जीक्यूट होके आ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा रिग्रेशन वाला, तो उसके ऊपर भी जाएंगे, सेम तरीके से उसको भी देखेंगे, उसके मॉडल्स को भी हम लोग समझेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर असाइनमेंट्स भी आएंगी और क्विज भी आएंगे, और फिर मोस्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके साथ, इन हमने आज एक्यूरेसी डिस्कस की है, सिर्फ एक्यूरेसी हमारा इवेल्यूएशन मैट्रिक्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इवेल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऊपर इन डिटेल जो है वो लेक्चर डिस्कशन हम प्रॉपर करेंगे। एक्यूरेसी कोई बहुत अच्छा और रिलायबल मैट्रिक्स नहीं है किसी भी मॉडल को इवेल्यूएट करने का, तो हम इस पर तफसीली डिस्कशन जरूर करेंगे। तो हारिस मेरा ख्याल है अब टाइम हो गया, क्विज की तरफ मूव करें सर। फिर मैं कहने लगा था सरप्राइज का, लेकिन आपने अनप्लेजेंट सरप्राइज दे दिया। चलें सर फिर क्विज। जी बिल्कुल, क्विज है हमारे पास। जी जी, क्विज हमारे पास है। बेहतरीन, और क्विज आपके कमेंट्स के अंदर जो है वो आने लगा है। ओके जी, क्विज का लिंक पेस्ट हो गया है, क्विज आपके पास जो है वो विद इन फ्यू सेकंड्स कम्युनिटी के अंदर भी लिंक जो है वो शेयर हो जाएगा। क्विज के लिए आज हम 5 मिनट्स दे रहे हैं? नो, आज हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्विज है। मैंने अच्छा। हमारे जो टीम है आज उन्होंने क्विज बनाया है और थोड़ा सा टाइम लगा के बनाया है। अच्छा, तो इट विल बी चलें गुड। अच्छा, मीनवाइल जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछना चाहें वो प्लीज क्वेश्चन डाल दें, बाकी जितनी देर में आप लोग क्विज अटेम्प्ट करते हैं हमारी कोशिश होगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसेस राइस का क्वेश्चन है, सर आज का डिटेल लेक्चर आएगा क्या? इसका डिटेल लेक्चर ऑलरेडी बेसिक के अंदर मेरे ख्याल हारिस मौजूद है, बहुत ज्यादा। तो हाँ जी, हम वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, यूट्यूब पे वो फ्रीली एक्सेसिबल है, तो आप अपने इन योर ओन टाइम आप उसको देख लें। हम इसको एज अ
एडवांस कोर्स चूंकि लेके चल रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ जिधर कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है उधर हम बहुत ज़्यादा बेसिक डिटेल में जाते हैं, तो बाकी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हमने चूंकि बेसिक कोर्स में कवर कर ली थी तो इसलिए उन्हें हम बस ज़रा स्किम थ्रू कर देते हैं ताकि आपको कुछ पॉइंटर्स मिल जाएं और आप उन पॉइंटर की बेस पे फिर अपने टाइम में उनको अच्छी तरह स्टडी कर लें। सर हारिस आपने वोट किसको डाला? यार ये हारिस का एक पर्सनल वो है तो ये आप हारिस को प्राइवेट मैसेज में पूछ लें। उमर जाफर, आई वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ टीम व्हिच विल चेक असाइनमेंट्स, आई एम द स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस बैच। बिल्कुल ठीक है उमर, हम आपका नाम हमने नोट कर लिया है, हमें जैसे ही हेल्प की जरूरत पड़ती है क्योंकि अभी आगे से आगे चीजें बढ़ती चली जाएंगी, सो विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर हेल्प इंशाल्लाह। हाउ टू अवॉइड ओवरफिटिंग इन डिसीजन ट्री, ये क्वेश्चन जरा काफी लोडेड है क्योंकि मुझे लगता है मैंने ओवरफिटिंग भी अभी तक नहीं बताया जी लोगों जी को। ओवरफिटिंग हम लोग डिस्कस करते हैं आई थिंक सर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डाल देते हैं। बेटा ये अभी के लिए ना चूंकि लोगों को हमने ओवरफिटिंग भी नहीं बताया तो वो काफी कंफ्यूज होंगे, लेकिन वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, हाउ कैन वी ट्रेन मॉडल विद ऑडियो डाटा? देखें ऑडियो डाटा इज इनहेरेंटली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, आप दो काम कर सकते हैं, एक तो आप जो वेव फॉर्म है उसको एज अ बाइनरी डाटा ले लें और उस पर मॉडल क्लासीफाई कर लें, एक दूसरा तरीका ये है कि आप उस वेव फॉर्म से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लें, जैसे एक हमारे पास MFCC है, और भी एक दो तरीके हैं जिससे आप वेव फॉर्म से फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस उन फीचर्स की बेस पे फिर आप क्लासिफिकेशन मॉडल जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। ओके जी, कम्युनिटीज में हमारा जो क्विज का लिंक है वो शेयर हो चुका है। क्विज लिंक एक तो पिन हमने कर दिया जी जी, हमारा पिन है ठीक है। जी बैच वन और टू को इकट्ठे साथ लेना वाकई मुश्किल होगा, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतना टाइम और एनर्जी है प्लीज डू दैट, अदरवाइज रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप एक दफा कम्प्लीटली जो बैच वन है उसे गो थ्रू कर ले तो फिर आपको बैच टू में ज्यादा फायदा होगा, लेकिन असेंशली तकरीबन 60% कंटेंट जो है इसमें वो बेसिक कोर्स का है क्योंकि जाहिर है हमें एक बेस बनानी पड़ती है फाउंडेशन की, उसके ऊपर ही फिर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड होते हैं। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगी कि आप जो एडवांस कोर्स है उसके टॉपिक्स आप पढ़ना स्टार्ट करें, उसमें जो जो टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने बेसिक में कवर किए हैं हम वो उन चीज़ों का रेफरेंस भी विद लेक्चर देते जा रहे हैं, तो आपको जो चीज समझ नहीं आती आप बेसिक कोर्स में जाके उसका वो रेलेवेंट लेक्चर देखें, उसके अंदर उसकी असाइनमेंट और उसको जो है वो आप कवर कर सकते हैं, एंड देन जो है वो आप दोनों को अगर पैरेलल लेके चलना चाहते हैं तो एक ये वे फॉरवर्ड जो है वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। जी क्विज का रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं सर। वेरी गुड, वाह क्विज जरा लगता है कुछ दबंग ही बना था आज। जी जी सिक्स और टेन, 5 of 10, 6 is good, mashallah, Shamir, good effort. Faizan Mumtaz, 3. Umair, आपको easy लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम deep learning पे जाएंगे ना उधर थोड़ी सी चीजें tricky हो जाएंगी, inshallah, looking forward for that. Ehtisham, 5. Tanzeel, 3. कोई बात नहीं. Adam Zahra, 6 out of 10. Okay. Irfan Shahzad, 3 out of 10. Story Ghar, 7.
नाम जरा यार अच्छे लिखा करें तो हमें फिर आपको भी अच्छा फील होगा जब हम आपका नाम लेंगे, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। साद खान 5 out of 10। कोई बात नहीं, 0 इज फाइन, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू शो अप। सलीम आप आई और आपने 8 out of 10। अच्छा, वेरी गुड, बहुत आला। अस्मत 5 out of 10। आमिना 4। आसिफ 8। आसिफ गुड एफर्ट यार, बहुत आला, शाबाश। दिलशाद 7। आमिना 4। बहारा गुल 7, गुड। अब्दुलरहमान 4, कोई बात नहीं, गुड एफर्ट। अजमत 5। मेरा ख्याल है कि टाइम भी इज अबाउट टू बी फिनिश्ड। कितना, 1 मिनट रह गया? नहीं सर, 2 मिनट, 2 मिनट रह गए, 37। ओके असद, कोई बात नहीं, गुड एफर्ट, एटलीस्ट आपने ट्राई की। ट्राई करके देखें, फेल होने से, मैं हमेशा यही बताता हूं कि फेल होने से कभी भी ना घबराएं। आप 1, 2, 3 दफा फेल होंगे तो फिर ही आप पास होंगे। कोई भी आपको जो सक्सेसफुल पर्सन नजर आता है उसके पीछे इतनी ज्यादा फेलियर्स होते हैं कि आपकी सोच है। सिर्फ एक चीज जो उसे बाकी लोगों से नुमाया करती है वो ये है कि उसने हार नहीं मानी। तो आपने हार नहीं माननी, यू जस्ट कीप ऑन पुशिंग, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, वन स्टेप एट अ टाइम, हर रोज थोड़ा सा थोड़ा बेहतर होते रहें, फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। बिल्कुल जी, आज क्विज मुश्किल था जी, आज क्विज हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया। बिल्कुल, उसामा मलिक 10 out of 10, अब्बास खान 10, वेरी गुड अब्बास, गुड एफर्ट यार। महरीन 7, जायान 5, साइमा 7, असद 5, रजाक 4, गुड एफर्ट, मोहम्मद उस्मान 8, वेरी गुड। ओके जी, लास्ट मिनट, लास्ट मिनट, तो कल हारिस हम इंशाल्लाह रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। जी जी सर, ओके जी, कल एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, कल हम इंशाल्लाह रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। रिग्रेशन में आप की जो प्रेडिक्शन है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्लासिफिकेशन में आपकी प्रेडिक्शन एक नॉमिनल वैल्यू होती है। तो फिर हम देखेंगे कि रिग्रेशन की वैल्यूएशन भी थोड़े से फर्क तरीके होते हैं, तो उनको भी हम ब्रीफ सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम मॉडल, अगर हमारे पास 4 मॉडल हैं सेम डाटा पे, कौन सा मॉडल अच्छा है, इस पर फिर हम प्रॉपर एक डिस्कशन करेंगे जिसमें हम सारे क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बिफोर हम आज का जो है वो डे ऑफ करें, एक अनाउंसमेंट ये है कि कुछ जो बच्चे हैं जिनको अभी इस बारे में पता नहीं चल रहा कि उन्होंने, वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं AI कोर्स में, बट उनको पता नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक ग्रुप के अंदर हैं तो आप हमारे जो ग्रुप के अंदर जो बच्चे हमें हेल्प कर रहे हैं मैनेज करने के लिए, अंदर बुशरा इकराम है, शौकत अली है, इनसे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। शहरयार तो जी बिल्कुल, शहरयार यूसुफ हैं, तो इनसे आप रابطہ कर सकते हैं और ये आपको जो है वो फिर ग्रुप के अंदर फर्दर ऐड करके जो भी टास्क होंगे उसके हवाले से गाइड कर सकते हैं। तो टू कॉन्टेक्ट देम अगर आप जो है वो हेल्प करना चाहते हैं। और आज का जो क्विज, आज का जो लेक्चर है वो भी अपलोड हो चुका हुआ है, हमारी असाइनमेंट जो है वो भी अपलोड हो चुकी हुई है ऑलरेडी। तो थैंक्स टू आवर टीम जिन्होंने हमें इस तरह इनेबल किया कि हम लोग अब जो है वो प्रोएक्टिवली काम कर लेते हैं। और दूसरा, हमारा टाइम जो है वो ज्यादा और प्रोडक्टिव चीजों पे भी हम देने के काबिल हो गए हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कंटिन्यूअस हेल्प। और साथ साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम नई अपॉर्चुनिटीज पे भी काम कर रहे हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स जो है उन्हीं में से हम जो है अच्छे हीरे जो है वो ढूंढेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, तो क्विज का टाइम भी हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। और ठीक है, काफी बच्चों ने आज हमारे पास क्विज अटेम्प्ट किया है। हारिस, मेरी तरह आपको भी बच्चों कहने की आदत पड़ गई, हालांकि इधर इधर मेरा ख्याल है ज्यादा लोग हम दोनों से बड़े। ओके, सो दैट इज फाइन। मैंने अच्छा मैंने ना बच्चा कहते कहते ना मेरे मुंह से, फिर मैं कंट्रोल करता हूँ, फिर कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तो बड़ा भी हो सकता है,
बट फाइन, इसमें कोई मसला नहीं। तो इट टुक मी सम स्वीट टाइम, वो बच्चा कह के फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स के आना। आई होप कि आप लोग माइंड नहीं कर रहे होंगे, ये इंटेंशनली नहीं होता। हाँ। एक आदत बनी होती है, बट आप लोगों की तरह हम भी अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। ये तो सर ने मुझे मतलब रियलाइज करवाया, वरना रियलाइज के मैं जो है वो बच्चों कह रहा हूँ। तो ये नेचुरली निकलता सर, जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स के हवाले से। सो ठीक है सर, फिर लेट्स call it a day. Okay जी, थैंक यू सो मच, और कल इंशाल्लाह ट्यून बैक, और जो जो आपके करीब हैं उन सब लोगों को भी इस तरफ लाएं ताकि एटलीस्ट वो कुछ नॉलेज हासिल कर सके। तो इट्स लाइक अ सदका जारिया। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करके पहुंचाएं, ताकि बाकी लोग भी एआई के इस रेवोल्यूशन में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर सके। विद दैट थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह हम बशर्ते जिंदगी कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।